हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्र में जहां आपके भाग्य के बारे में विस्तार से बताया जाता है, वहीं आपके कर्म भी आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। जी हां, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके भाग्य के अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ ही अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो इसके हिसाब से ही जो ग्रह हैं वो बुरा परिणाम भी देने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन से ग्रह हैं और उनसे संबंधित क्या वो अशुभ परिणाम हैं जो हमारे कर्म करने के बाद हमें मिलने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो व्यक्ति के आत्मा का कारक ग्रह है और कुंडली में इसका शुभ होना बहुत ही अच्छे परिणाम लाता है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है, सरकारी नौकरी दिलाता है। इसके साथ ही मान प्रतिष्ठा जो भी आपकी है वो सूर्य के कारण ही प्राप्त होती है। लेकिन सूर्य जब खराब रिजल्ट्स देने लगते हैं तो ये कैसे पता चले कि सूर्य जो है वो हमसे नाराज है, किसी वजह से कुछ अशुभ हो रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो अगर आप किसी भी वजह से समाज में जो सरकारी संपत्ति है, जो सरकार की चीज़ें हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं तो सूर्य आपको खराब नतीजे दे सकता है। धोखाधड़ी करना, टैक्स में चोरी करना, ये भी सूर्य को नाराज करने वाली चीज़ें हैं। इसके साथ ही पिता को कष्ट देने से भी सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्य चूंकि आत्मा कारक है, इसका मतलब किसी भी इंसान, जानवर, पशु पक्षी या हमारा वातावरण हो, इसे किसी भी तरह से कष्ट नहीं देना है, इन्हें दुख नहीं देना है। अगर आप किसी भी तरह से इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो सूर्यदेव आपको खराब परिणाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है वो स्त्री कारक है, तो अगर आप स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर चंद्रदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। परिवार की स्त्रियां या समाज में जो भी स्त्रियां हैं, आपकी माँ हो गई, नानी, दादी, सास या इसी तरह की जो समान पद धारण करने वाली स्त्रियां हैं, अगर आप इनसे खराब व्यवहार करते हैं तो चंद्रदेव आपसे नाराज हो सकते हैं। चंद्रदेव नाराज होने से आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसके साथ ही जो लोग किसी भी तरह के द्रव्यों का, चाहे पानी हो, दूध हो या किसी भी तरह का फल का जूस हो या कोई भी जो लिक्विड फॉर्म की चीज़ें हैं, अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो भी चंद्रदेव इससे नाराज हो जाते हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल का संबंध जो है वो आपके भाई बंधुओं से होता है। भाई से झगड़ा कर लेना, भाई को किसी तरह का धोखा देना, ये मंगल के अशुभ फल देता है। इसके साथ ही जो भाई हैं उनकी पत्नी का सम्मान नहीं करने से भी मंगल देव नाराज होते हैं। इसके साथ ही किसी की संपत्ति पर बुरी नजर रखने से भी मंगल के खराब परिणाम आने लगते हैं। मंगल इस स्थिति में भी खराब नतीजे देता है जब आप किसी आदमी को या फिर पशु पक्षी को किसी भी तरह की शारीरिक हानि पहुंचाते हैं या उन्हें किसी भी तरह से मारते पीटते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही इन कामों को रोक देना चाहिए, आगे कभी भी आप इस तरह की हरकत न करें। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो अगर आप अपनी बहनों को, आपकी बेटियों को, बुआ को, मौसी को, अपनी साली को, अगर इन्हें किसी तरह का कष्ट देते हैं, इन्हें नाराज करते हैं तो फिर बुध देव नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप किन्नरों का अपमान करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं तो इससे भी बुध देव जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। जिनका भी बुध कमज़ोर है उनमें आप पहली निशानी ये देखेंगे कि उनकी जो बोलने की हैबिट होगी वो सही नहीं होगी। हो सकता है कि वो थोड़ा रुक रुक कर बोलते हों या फिर उनकी जबान साफ नहीं हुई होगी। इसके साथ ही उनका बौद्धिक विकास भी रुक जाता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने रूटीन लाइफ में जो ग्रीन कलर है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब बात करते हैं गुरु यानी कि बृहस्पति की। तो गुरु जो हैं वो अपने नाम के समान ही काम करते हैं। अगर आप अपने गुरुओं यानी कि टीचर्स का अपमान करते हैं तो इससे गुरु जो हैं वो नाराज़ होते हैं। इसके साथ ही आपके लाइफ में जो आपके गाइड हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, चाहे आपके पिता हों, आपके दादा हों, आपके नाना हों या वैसे लोग जिन्हें आप अपना
हितैषी समझते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, अगर आप इनका अपमान करते हैं तो फिर इससे गुरुदेव नाराज हो जाते हैं और खराब नतीजे देने लगते हैं। गुरु के खराब होने से व्यक्ति को हानि होती है, इन्हें कष्ट हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ ही वो सारे लोग जो ढोंगी बाबा बनते हैं, ढोंगी पंडित पुजारी बनते हैं, जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, या फिर चोरी से पाखंड से धन कमाते हैं, जो स्त्रियों के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, अगर आप इनमें से किसी में भी शामिल हैं तो फिर मान कर रखिए कि गुरु जो हैं वो आपसे नाराज होंगे। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो अगर आप अपने जीवन साथी को ही कष्ट देते हैं तो इससे कई तरह के नकारात्मक नतीजे आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखते हैं कि आपकी विवाह में रुकावट हो रही है, आपको प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है, आपका प्रेम जो है वो धोखे वाला हो गया है, आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है वो बहुत चंचल हो गया है, इसके साथ ही जो यौन सुख है उसमें आपको लगातार कमी आ रही है, तो ये सब जो है कुछ लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि शुक्र जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही घर को गंदगी से रखना, घर में गंदे कपड़े पहनना, कटे फटे कपड़े पहनना भी शुक्र के खराब परिणाम देता है। चलिए अब जानते हैं शनिदेव के बारे में। तो शनि अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो इसे कैसे जाना जाए? वेल, इसके जानने के कई तरीके हैं। आपका किसी भी काम में मन नहीं लग सकता है, आप आलसी हो सकते हैं, लापरवाह हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, साफ सफाई से नहीं रहने वाले होते हैं, धर्म में रुचि कम हो जाती है, जो नौकर होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनके साथ आपका खराब व्यवहार होता है, ऐसे लोग जनरली मांस मदिरा का सेवन भी करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, तो ये सब शनि के खराब होने के कुछ नतीजे हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने चाचा से या ताऊ से किसी भी तरह से झगड़ा करते हैं तो ये भी शनिदेव के खराब होने के लक्षण हैं। कुछ लोग मकान या दुकान किराए पे ले लेते हैं और उसके बाद खाली ही नहीं करते, कई तो उधारी ले लेते हैं और इसके बाद उधार लौटाते ही नहीं हैं। तो शनिदेव के खराब होने से कई सारे अशुभ परिणाम मिलते हैं, वाहन दुर्घटनाएं होने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी तरह की एक्टिविटी अपने अंदर पाते हैं तो आप मान सकते हैं कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। चलिए अब बात करते हैं राहु की। तो राहु अगर खराब है तो इसे कैसे जाना जाए? अगर आप किसी भी तरह से किसी सपेरे को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने बड़े भाई को दुख देते हैं, या फिर अपने ननिहाल का अपमान करते हैं, तो ये सब एक तरह से संदेश है कि राहु की स्थिति जो है वो खराब चल रही है। इसके साथ ही अगर आप पशु पक्षी की हत्या करते हैं, कोई भी शारीरिक रूप से अपंग है या मूक प्राणी है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, इनके साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि राहु की स्थिति खराब हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, आप अपनी बातों को घुमा फिरा कर रखते हैं, कभी भी क्लैरिटी से नहीं बोलते, साफ सफाई से नहीं बताते चीज़ों को, तो ये भी राहु के खराब होने के संकेत हैं। राहु खराब होने पर आदमी पे कोई कलंक लगता है, उसे जेल की सजा भी हो सकती है, उसके जीवन से अस्थायित्व तो खत्म हो जाता है। और अब सबसे आखिर में समझते हैं केतु के बारे में। तो अगर आप किसी भी तरह की झूठी गवाही देते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाते हैं, कुत्ते के साथ मारा पीटी करते हैं, या फिर अपने भतीजे या भांजे को किसी भी तरह का दुख देते हैं, कंजूसी करते हैं, दूसरे लोगों का हक छीन लेते हैं, तो ये भी केतु के खराब होने के परिणाम हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये समझाया जाए कि भाग्य का अच्छा होना या खराब होना तो अलग बात है, लेकिन इसके साथ ही अगर आपके कर्म खराब हैं तो फिर भाग्य नहीं बदलने वाला, भाग्य दिनों दिन और खराब ही होता जाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करते रहें, जहां तक संभव हो लोगों की भलाई करें, पर्यावरण की रक्षा करें, पशु पक्षियों से प्यार करें, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके नेबर्स हैं, उन सबसे अच्छा व्यवहार करें, समाज में एक तरह से प्यार का माहौल बनाकर रखें, अपने हृदय में करुणा का भाव रखें और नफरत से दूर रहें, जहां तक संभव हो अपने घर के आसपास
पेड़ पौधे लगाएं, अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, और इसके साथ ही अगर आप अपना आचरण बात व्यवहार अच्छा रखेंगे तो ग्रह जो हैं वो आपको शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।